धंधे वाली एक कोठे वाली किसी आदमी की पत्नी बन सकती है, किसी भाई की बहन बन सकती है, लेकिन नहीं साला झूठ। कैसा इज्जत? तुमको इज्जत देखना है ना तो मेरे अड्डे पे आके देख। अच्छा अच्छा की वर्दी उतर के टंगी रहती है मेरी खुटियों में। मैं स्पेशल मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से पूरे पब्लिक को कहना चाहता हूँ, किसी के जीवन जिंदगी को बर्बाद करने का सुबह बढ़ाने वाली ये तबाहत जो कि कोठे पे बैठ के और अपने जिस्म बेचती है। अपने ननद को भी लेते जाओ, वहीं बैठा देना। तोड़ के दिखाना, तोड़ के। एक गर्दन है ना, ये तोड़ दूंगा, समझ रही हो ना? ज्यादा बोल रहे हो, ठीक है ना? ज्यादा बोल रहे हो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ कन्हैया सिंह, आप लोग इनको जानते होंगे। इस भाई का नाम राहुल है। मेरी वजह से यार, मुझे तू क्यों बोल रही है? मैंने भैया वो घर में अच्छी नहीं लग रही थी तुझे? मैं तो बाकायदा जाके वही गंदे काम करेंगी, तुझे अच्छा लगेगा? सुनो, हेलो, यहाँ लड़ने आए हो? अरे भाई, इसकी वजह से कोई मतलब यहाँ लड़ने मेरे बात का जवाब दे दो, यहाँ लड़ने आए हो आप लोग? मैंने बुलाया था यार, तुमने सब चीजें राजी हो गया था, ठीक है? जिंदगी इतनी बर्बाद कर दी, मजबूर हो गए, उसे वहीं जाना पड़ा। इधर हमसे बात करो ना, उससे क्यों लड़ रही? हमसे बात करो, क्या हुआ? हुआ क्या है? क्यों आए हो यहाँ पे? कितने सपने देखी होगी हो कि चलो आज अच्छा घर मिल गया। यहाँ क्यों आए हो? अरे मैंने उसको दोबारा बुला लिया कर लिया था यार, इसने भड़काया होगा उसको। भाई क्यों आया है यहाँ पे, क्या हुआ? भाई मैं अपनी बीवी को ढूंढने शादी करके तो बोल रहा हूँ ना, चपड़ चपड़ बहुत बोलती है तू, पूछ रहा हूँ ना उससे, बात करने दे उससे। भाई मैं खुद परेशान हूँ, मैं ढूंढते अपनी बीवी को परेशान हूँ, दो दिन से उसको पता ही नहीं चल रहा वो है किधर। ढूंढते क्या परेशान है, वही उसी कोठे पे जहाँ से तू उसे उठा के लेके आया था। तुझे कैसे पता? तूने भेजा होगा। वैसे बात होती है उसकी, कंटिन्यू होती, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो तूने भेजा होगा, तूने भड़काया होगा। इधर हमसे बात करो, क्या हुआ? सुन भाई, क्या हुआ? बोला होगा तूने कुछ? क्या हुआ, क्यों आया? भाई इसकी वजह से वो लड़की घर छोड़ के चली गई है अपना। तुम्हारी भाभी? जी। जो कोठा पे काम करती थी वहीं? बिल्कुल, वापस चली गई वो। कैसे तुमको पता है? मेरे से बात होती है उसकी, कंटिन्यू होती है, डेली होती है। उसको उसी दिन समझा के तुम्हारे साथ ही तो गई थी वो। साथ ही गई थी, अब पता नहीं इन दोनों के बीच में आपस में क्या बात हुई, वो वापस चली गई और मैं बुला रही हूँ, रो रो के बुला रही हूँ भाई, वो वापस नहीं आ रही है। बहुत समझाया मैंने उसको। भैया मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, मैंने बाकायदा यह कहा उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, शर्म नहीं आई तुझे ऐसा करते हुए? सुन तो ले, मैं तुझे वही तो बता रहा हूँ बात को, पहले सुन तो ले मेरी बात। मैंने मेरी शादी मेरी शादी मेरी शादी के पीछे पड़ा हुआ है, बाकायदा मेरी सारी बात हो गई थी घर पे, क्या बात है? ठीक ठाक से, ठीक है? अब बताओ, टेंशन में हो, ये लोग मुझे और टेंशन दिए पड़े हैं, अब पता नहीं वो कहाँ है, कहाँ ढूंढू जा कर गए, समझ नहीं आ रहा। ये बता रही वहाँ पर से लेकर आया था ना, वही अरे वहाँ पर भी गया था, वहाँ के बंदों ने मना कर दी कि यहाँ पर नहीं है। कौन झूठ बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है, मुझे क्या पता? क्यों बताएगी भाई, जब मैं हर चीज में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जिंदगी बर्बाद कर दी तो वो क्यों बताएगी तुझे? देखो रहने पे ना, जब थी तब तुम लोगों ने उसका दुर्व्यवहार किया, जब चली गई तो उसको पूजा कर रहे हो। देखो किसी भी व्यक्ति का ना कीमत उसके चले जाने के बाद पता चलता है, समझ रहे हो ना? जब वो थी तब तुम लोगों का कोई उसके पास उसका कोई कीमत नहीं था, उसका कोई इज्जत नहीं था, बस सिर्फ उसको एक नाम मिल गया था, साला उसके ऊपर टप्पा लग गया था कि वो एक कोठे वाली है, एक बाजारू औरत है, सिर्फ तुम लोग के वजह से उसके ऊपर टप्पा लग गया था। मैं पूछता हूँ तुम लोगों से, इस कैमरे के माध्यम से सारे उस पब्लिक उस जनता से, क्या कोठे वाली को जीने का अधिकार नहीं है? अरे भाई जी, आपने मेरे को समझाया था, मैं आपकी बात समझ के भैया मैंने हर एक बात एक्सेप्ट कर ली थी। मैं तो साथ में छोड़ दिया उसने। अरे मैं तो साथ में रहने के लिए इस अवस्था में, बताओ 3 महीना से बोल रही थी कि प्रेग्नेंट हूँ, कहाँ जाएगी भाई वो? अब भाई मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा वो है किधर, मैं ढूंढने पर था। मुझे अपनी भाभी घर में वापस चाहिए। तुम क्लियर हो? तुम क्लियर हो कि तुम वो कोठे पे गई है? क्लियर हूँ मैं, पक्का? तुमको बोल के गई है वो? तुमको बोल के गई है वो? मेरी उससे बात होती है जी, क्या बोल के गई थी? तो इधर भाई बात करने दी, क्या बोल के गई है, क्या क्या बात हुआ? इज्जत करेगा किसी लड़की की तो बर्दाश्त कर लेगी क्या? क्या बोल के गई है? वो यही बात बोलती है कि भाई मैं कोठे वाली थी, मैं कोठे पे ही ठीक हूँ, तुम लोगों के घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है,
जब कोई उसकी इज्जत करेगा ही नहीं तो वो थोड़ा रहेगी घर में। यार मैं तो सारी बात उसकी मान गया था, तेरी वजह से गई है वो। तुम मेरे पर क्लेम क्यों लगा? जब उसका पति उसका साथ नहीं देगा, ससुराल वालों से क्या एक्सपेक्टेशन रखेगी वो? मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, और मैं हर चीज में राजी था। तूने ही बाद में कुछ को भड़काया होगा। तो पागल थोड़ी है, मैं क्यों भड़काऊंगी? मैं तो कुछ चाहती हूँ, घर में रहेंगे, मेरी शादी हो जाएगी। मेरी शादी? ऐसे 100 रिश्तों को लात मारती हूँ मैं, समझा ना? शर्म आनी चाहिए तुझे। तू कोठे से किसी लड़की को उठा के लाया, उसे लड़की क्या होती है ये बताने के बाद तूने फिर उसे उसी दलदल में भेज दिया। मैंने क्यों भेज दिया यार? मैंने थोड़ी ना भेजा। क्यों? ये बात कौन बोल रहा था बार बार? उसके दिल पे लगेगी नहीं क्या? वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और तूने क्या बोला था कि पता नहीं किसका बाप लेके घूम रही है। तो मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट तो कर ली थी वहाँ पे भाई, अपनी गलती मान दो थी। क्या गलती एक्सेप्ट की थी तूने, ये तो बता दे। और कैसे करूँ मैं अब? फिर भी वो तेरे बच्चे को पालना चाहती थी क्यों? कहीं ना कहीं उस घर में रहकर वो प्यार क्या होता है, परिवार क्या होता है, इस अहमियत को समझने लगी थी। तूने उसे फिर से वही वैश्या बनने के लिए छोड़ दिया। देखो तुम लोगों को ना अब यहाँ शर्म आनी चाहिए। यहाँ लड़ने से, झगड़ने से, इन सब बातों पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। मुझे अपनी भाभी वापस चाहिए घर में, अगर नहीं आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। यार मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, तू ऐसे बोल बोल के मुझे और क्यों परेशान कर रही है यार? मैं एक से लेकर परेशान हूँ तेरे चक्कर में। भाई देखो, अगर तू चाहता है ना कि मेरे भी हाथ पीले हो, मेरी शादी हो, तो भाभी को वापस लेके आ। मुझे नहीं पता कहीं से भी लेके आ। कितना दिन है इसके शादी का? अरे इसकी शादी की बात चल रही है, मतलब कितना बार बार बोल दिया, कितना दिन बचा हुआ है? 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना करने से मेरी भाभी को तकलीफ हो। उन्होंने बोली थी कि भाई लड़की तो अच्छी लग रही है, 2 महीने के अंदर अंदर हम शादी कर देंगे। उन्होंने फिक्स डेट नहीं रखी थी, ठीक है। अब तुम बताओ, 2 महीने के अंदर अगर लड़की कोई सपना देख रही है कि मेरा भी बारात आएगा, मेरा भी दूल्हा आएगा, मेरे हाथ पीले होंगे, मैं भी दुल्हन बन करके जाऊंगी, और इतना सपना देखने के बाद भी अगर वो लड़की बोले कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, बर्दाश्त कर पाओगे इसे? भाई मैं कहता देख पाओगे इसे? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? सब का कारा धारा कहीं ना कहीं कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। वो तो ऐसी जगह से उठ के आई थी, उसने दुनिया जहान की बदनामी सही थी सिर्फ तेरे लिए। इज्जत का तो उसको कुछ पता ही नहीं था। अरे यार तो मैंने अपनी सारी गलती उस घर में आके सीखी। अब सुनो मेरी बात सुनो, अब इन सब चीजों पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। भाई मुझे आप दोनों आदमी यहाँ क्यों आए हो और स्पष्ट बताओ। मैं उसको बनाने के लिए आया और मैं चाहता हूँ कि वो दोबारा घर में आकर रहे जिस तरह से पहले रह रही थी, ठीक है। मैं अपने बच्चे का, अपनी बीवी का ढंग से ध्यान रखूंगा। कैसे आएगा? कुछ पता है कहाँ है वो? किसको पता है? तुमको पता है? मेरे को तो नहीं पता है। तुमको पता है? मुझे पता है कहाँ गई। कहाँ है? वहीं पे, कोठे पे गई है जी। तुमसे बात होती है? मेरे से बात होती है। फोन करो उसको, लेकिन आने के लिए तैयार करो। दोस्तों जैसे कि हुआ क्या, आप लोग जैसे आप लोग जानते हो इनको भी, और इनको भी अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हो। पागल है तूने उस लड़की के दिमाग में इतनी टेंशन भर दी ना। एक मिनट सुन लो आराम से, मैं कुछ अपने ऑडियंस से बात करना कर रहा हूँ, पर्सनल बात अपना शेयर करता हूँ उन लोगों से भी अपना राय जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं इसमें गलती कर रहा हूँ या आप गलती कर रहे हैं या ये गलती कर रहे हैं, उनका भी कुछ जजमेंट हम लेते हैं, ठीक है ना। हमेशा बोलना नहीं चाहिए, बोलने से ज़्यादा बोलने से कभी कभी बात बिगड़ भी जाती है। तो दोस्तों हुआ क्या, इन्होंने ठीक है अच्छा किया, एक नेक काम किया। लोग कोठे वाली को हमेशा नीच और हीन नज़र से देखता है, सोचता है कि चलो वो अपने जिस्म बेच रही है तो उसका खानदानी पैसा है। नहीं, किसी का कोई खानदानी पैसा नहीं होता है। कोई भी इंसान बदमाश बने, कोठा पे जाके काम करे, अपना जिस्म बेचे, उसका कोई पैसा नहीं होता है, शौक नहीं होता है। हाँ, उसके पीछे कोई ना कोई एक रीज़न ज़रूर होता है जिसे दुनिया जानने की कोशिश नहीं करती है, बस सिर्फ उसको इस्तेमाल करना जानती है, उसकी सच्चाई कोई जानने की कोशिश नहीं करता है। क्योंकि ये कलयुग है ना, यहाँ लोग सिर्फ उसी को पूजता है जिससे कोई फ़ायदा हो, पैसे का हो, जिस्म का हो, किसी और चीज़ का हो, फायदा के लिए ही पूछता है, बाकी ऐसे कोई प्यार से पूछता नहीं है। लेकिन इस भाई ने इस मिसाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया कि उससे शादी किया, पूरे विधि व्यवस्था के साथ शादी करके घर में लाया, लेकिन थोड़ा सा इसने मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया कि अपने घर वाले को, अपने गांव समाज को ये चीज़ नहीं क्लियर किया, ये चीज़ नहीं बताया कि मैं एक धंधा वाली से शादी करके लाया हूँ।
और वही चीज आज इसके घर में नासूर बन चुकी है सिर्फ इस बहन के लिए। इसका शादी कहीं 2-3 महीना पहले फिक्स हुआ था, इधर होने वाला है 10 दिन 15 दिन, कितना दिन बचा हुआ है? 2 महीने के अंदर तो बोल रहे, 2 महीने के अंदर वो बोल रहे हैं कि मैं शादी कर लूंगा। लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं से इस चीज को लीक मिल चुका है कि ये भाई जिससे शादी किया है वो एक धंधा वाली है, कोटा पे काम करती थी, जिसके वजह से इसकी शादी में रुकावट आ रही है। अब ये भाई पिछले बार तो बोल रहा था कि मैं उसको नहीं रखूंगा, तू चली जा फिर से, निकल जा मेरे जीवन से, मेरी जिंदगी से, ऐसी जगह शादी। मैंने इसको समझाया था, मान भी गया था, लेकिन अब फिर से क्या हुआ, मेरा खुद का परिवार टूट गया। तो इनकी जो भी बीवी थी, मेरे भाई का घर टूट गया, जिसको बाजारू हम लोग बोलते हैं या कोठे वाली बोलते हैं या बोल रहे थे, वो फिर उसी जगह पे जाके बैठ गई है। अब वो क्यों बैठ गई है इस चीज का तो हम भी नहीं जानते हैं, ना ये लोग क्लियरेंस दे रहे हैं ना ये क्लियरेंस दे रही है। तो इसका पता तो तभी चलेगा भाई, देख जब तक उसको आप यहाँ नहीं बुलाओगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। भाई मैं कैसे बुलाऊं, मेरे पास ना कोई कांटेक्ट है ना उसको पता है वो है। तुम बात करती हो ना उसे? मेरे पास नंबर है, फोन दे अपना। मेरा फोन से बात करो। लो मेरे फोन से बात करो, तुम्हें बात होती है ना उससे, तो तुम फोन करो उसको, ठीक है? आओ बुलाओ, मेरा नाम लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना जैकेट भी उसको दिया हूँ, वहीं लेके गई है ना जी। हाँ मेरा नाम लोगे तो शायद वो आ जाएगी। फोन करके बुलाओ, मैं अपने तरीका से थोड़ा बात करना चाहता हूँ। स्पीकर पर लेना। हेलो। हाँ बोलो। भाभी कहाँ हैं आप? क्या काम है? मिलने आ जाइए। क्यों, अब की जरूरत आ गई मेरी? आप इतने गुस्सा हो गए, आप मिलने भी नहीं आएंगे क्या हमसे? अब तुम लोग से मेरे को? अरे यार हमारी गलती, हम आपसे माफी मांग तो रहे हैं। अच्छा अब मेरी एहसास हो रही है, जब वहाँ पे थी तब तो मेरा कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन अब मेरी तो बहुत याद आ रही है। कहाँ हो आप? मैं आपको एक, मैं आपको अपनी करंट लोकेशन सेंड कर रही हूँ, बहुत इमरजेंसी है, प्लीज आ जाओ मिलने। अच्छा क्या ये है? बताओ कॉल करो। आपके भाई, आपके भाई आपको याद कर रहे थे? अच्छा याद है आपको वो जैकेट दिए थे? हेलो कन्हैया बोल रहा हूँ। हाँ भैया बोलिए। पहचान रहे हो? हाँ मैं तो पहचान गई आपको। हाँ तो पहचान अगर रहे हो तो मुझे आपसे 10 मिनट के लिए मिलना है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, आप आओ यहाँ पे, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप बुलाइएगा तो मैं आ ही जाऊँ। अभी आप हो कहाँ पे वैसे में? अभी मैं फिलहाल अपने अड्डे पे हूँ। अच्छा अड्डे पे हो? हाँ चलो कोई नहीं, आपको अड्डा से हमें कोई बहस नहीं है, आप मैं आपको मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, आप 10 मिनट के लिए हैं आओ, ठीक है? अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँ। ठीक है आओ। ओके तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया, हालांकि इसमें कहीं ना कहीं ये दोनों आदमी दोषी हैं, इनका पूरा परिवार दोषी है, पूरा समाज इनका दोषी है। जो इंसान उस रास्ते को छोड़ दिया था, उस रास्ते पे चलने के लिए समझ लीजिए तो उसी भाषा में मैं अगर बोलूं तो कोठे पे बैठने के लिए, बिकने के लिए, बाजार में उसका भाव लगने के लिए, दाम लगने के लिए अगर कोई मजबूर किया है तो सिर्फ इनका परिवार है, इनका खानदान है, नहीं तो वो नहीं जाना चाहती थी। लेकिन फिर भी वो आ रही है तो हम उससे बात करेंगे कि आखिर उसने इस रास्ता को फिर से क्यों अपनाया हो, ठीक है भाई? तुम यहाँ नहीं रहोगे, अगर रहोगे तो फिर वो कुछ नहीं बोल पाएगी। मैं और ये उससे बात करेंगे, दोनों आदमी उसे जाने की कोशिश करेंगे उसने ऐसा क्यों किया। अगर तुमको ऐसा लगे कि हाँ हमारे पास फिर से रहने लायक है तो तुम आना, अगर लगे कि हाँ रहने लायक नहीं है तो तुम मत आना, ठीक है भाई? भूल जाना उसको, फिर तब ये समझ लेना कि वो कोठे वाली थी, है और रहेगी हमेशा के लिए। भाई मैं तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उसने जो गलती करी है उससे जो गलती है मैं तो सब माफ। चलो जाओ यहाँ से, हटो, चलो बंद करो बाबू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हां बोलो। लो आ गई। कितना कस्टमर आज आया था? कस्टमर तो आते जाते रहते हैं। कितना आया था फिर भी? अरे इसका लिमिट थोड़ी होता है, आते जाते रहते हैं। मतलब फिर भी 2, 4, 10, 15 बोरा काला सांड के किस 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 टाइप का आया था? सब आते हैं। नाम क्या है? तुम सही में तुम साले कुत्ते कुत्ते ही रहोगे तुम लोगों, समझ में नहीं आया। बोली थी ठीक है ना, तो भाई ऐसे ऐसे बहन के ऊपर ताप एहसान मत जता, ठीक है ना? अब जाकेट ये हो ना इसी पे एहसान जता रहे, ऐसे ऐसे जाकेट पे ना हम थूकते हैं, ठीक है ना? पकड़ो अपने जाकेट। मतलब हो गया,
औकात दिखा दिए ना अपना तूने। क्या हो गया, लो पकड़ो इसी में फोन भी है, ले लो। क्या क्या ले लो, मतलब ऐसी कौन सी साला तुमको मजबूरी सता रही थी कि जाकर फिर तुम उसी कोठे पे बैठ गए? मेरी मर्जी। भाभी देखो अभी ज्यादा कुछ बुरा नहीं है, आप घर चलो। क्या अब भाभी को याद आ रही है? पहले तो याद नहीं आई, अब बड़ी आई भाभी। भाभी चलो, क्या भाभी दूर रहो मेरे से, ठीक है ना, दूर रहा करो मेरे से। क्या दिक्कत है, इधर यहाँ बैठे हैं। देखो आप थोड़ा बैठे, यहाँ इज्जत से बैठ। अभी अभी तरीका से, अभी तो हमारा बदतमीजी देखे नहीं हो, क्यों बैठ जा, तरीका से अभी बोल रहा हूँ। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, मैं पैसे लेती हूँ। देखो आपको भाई मानी थी इसीलिए इज्जत से बात कर रही थी, ठीक है ना। फिर दोबारा बोल रहा हूँ ना, भाई मत बोल अपने इस गंदे जुबान से। क्या है बोल रहा हूँ ना, क्या है? नहीं बोलूंगी तेरे जैसे, तो 36 आते हैं भाई, बड़ी है 36 आते, समझो भाई बहुत परेशान है आप। देखो तुम मेरे से दूर रहा करो, अपना बसा बसाया घर रोड डाल रहे हो आप। कैसा घर, जब तो याद नहीं आया। गलती थी ना, मैं जब मैं रहती थी तब तो याद नहीं आया, अब बड़ी आई भाभी। एक बात बताओ, बैठो यहाँ बैठो। हाँ बैठ गए, बताओ कितना चार्ज है तुम्हारा? देखो एक दिन का, एक रात का, एक घंटे का, क्या चार्ज लेती हो तुम? अच्छा यहाँ पे क्यों बताऊँ? चलो तुम मेरे अड्डे पे चलो, वहाँ पे बात होगी ना। अच्छा अड्डे पे बताओ, तो यहाँ पे क्यों बताऊँ मैं? शर्म नहीं आ रहा है सब बोलने में? इसमें शर्म की क्या बात है भाई, तुमको इस समय शर्म आएगा कैसे? तुम तो वहाँ के खिलाड़ी हो ना एकदम बिल्कुल। हाँ वो तो हूँ मैं, कोई दिक्कत? तुम्हारा पैदाइशी ही उसी चीज में हुआ है, तुमको कैसे शर्म आएगा? अच्छा गलती किया इसका भाई कि तुमको ब्याह करके इज्जत से घर पे ले आया। देखो आप ज्यादा बोल रहे हो, कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक है ना, आप ज्यादा बोल रहे हो, ठीक है ना। तकलीफ लग रही है, बुरा लग रहा है? तकलीफ के क्या बात है? अगर लग रहा है तो फिर उस जगह पे दोबारा जाकर बैठने का क्या रीजन था आपको? मैं क्यों बताऊं रीजन क्या है? मेरे को वहीं पे अच्छा लगता है तो मैं वहीं पे जाऊंगी ना, इनके घर पे नहीं अच्छा लगता है तो मैं क्यों रहूं? मेरी मतलब, मर्जी। मतलब पहले अच्छा लगा, अब अच्छा नहीं लग रहा है? आप जब तक अच्छा लगा तब प्रेग्नेंट है, अगर इस समय इतना गंदा काम कर बच्चा, इसका मतलब बच्चा भी गिरा दिया होगा तूने। देखो मेरे पर्सनल मैटर में कुछ मत बोलो, ठीक है ना, जो भी मेरा बात है मेरा पर्सनल है, ठीक है ना। पर्सनल है? हाँ वो पर्सनल है भाई, मैं जो बताने वाला मतलब एक बात बताओ, ये भारतीय नारी बन रही है साड़ी पहन करके इतना अच्छा से, हैं और तब तुम जा करके कोठे में बैठ रही हो? अब साड़ी पहनना गुनाह है क्या? गुनाह है? भाभी बात मानो, अभी भी देखो तुम चुप रहो, चलिए आप हमारे साथ। मैं बोली ना तुम मेरे से दूर रहा करो, ठीक है ना, आपको पूरा सपोर्ट करूंगी। चल बढ़िया है सपोर्ट करने वाली, चल साइड हो जा, जब तो मैं थी तो तब तक सपोर्ट नहीं। अरे वाइफ को कभी भी इसको ना शर्म नहीं आएगी कभी। क्यों आएगी? वही जाएगी। अरे शर्म क्यों आएगी, मैंने ऐसा क्या कर दिया उसे मेरे को शर्म आएगी? मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं जो मेरे को शर्म आए, उसे मैं मुंह छुपा के बैठ जाऊं। सही कह रहे हो तुम, बहुत अच्छा। चल बताओ तू, अच्छी जिंदगी चल रही होगी? बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुमने आज ये साबित कर दिया कि कोठे वाली और धंधे वाली कभी बदल नहीं सकती है। मिलेगा। देखो तुम मत बोला करो, ठीक है ना, तुमसे बोले ना तुम चुप रहो तो चुप रहो। अब तो बड़ी याद आई भाभी, भाभी जब मैं वहाँ पे थी तब तो इतनी परसेंट मेरी इज्जत नहीं होती थी, खा रही है मर रही है उसे तो कोई लेना देना नहीं था, और जब मैं चली गई तो भाभी भाभी करते आ गई और यहाँ पे जामा भी कर ली। तू पागल वागल होगी, क्या कर रही है तू? अच्छा ऐसा तो भी शामिल है, क्या बात है? शामिल कर दिया, बता दिया, ढूंढते ढूंढते कितने दो दिन से कितना परेशान हूँ मैं, कहाँ कहाँ नहीं देखा मैंने तेरे को। ओहो मुझे तो पता ही नहीं था, फोन मेरा पति मेरे को इतना ढूंढता है वो, मेरा नंबर तुमने ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, मैं इतने दिन से परेशान हो रहा हूं तो ढूंढ रहा हूं। देखो अब तेरे से मेरे को कोई काम नहीं है, ठीक है, जब तक काम था। अरे देखो तुम्हारी बीवी है लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इनको इज्जत की रोटी रास नहीं आ रही है। हाँ नहीं आ रही है बिल्कुल, इनको तो आदत पड़ चुकी है, दिन में दो चार पांच लड़के आए जाए, गोरा काला ये सब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? वो तो मेरी मर्जी है। कान में तकलीफ नहीं हो रही है सब बात सुनने से? क्यों तकलीफ होगी? अरे तेरे को तो मैं उन चीजों से दूर लेके गया था ना, तो दोबारा उस लाइन में क्यों जा रही है यार? क्यों कर रही है वो गंदे काम? मेरी मर्जी।
क्या है मर्जी, ऐसे मर्जी मेरी मर्जी, मैं जाऊँ चाहे रहूं। ऐसा करना क्यों चाहती हैं आप? जब इज्जत से घर ले जा रहे हैं तो फिर आप क्यों कर रही हैं सब? देखो तू पागल वागल हो गई, तुम दूर रहो ठीक है ना, जाओ उस दुनिया में। मेरी मर्जी, मैं जाऊंगी ना, मैं जाऊंगी। इतना करने के बावजूद भी वो अभी भी ऐसे ही खड़ा है। मैं सुनो, मैं लाल कर देता तुम्हारा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, जूता निकाल कर क्यों करेगा, क्यों करेगा, क्यों करेगा? सोनी भैया देखिए, सुनिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं। देखो मेरी बात सुनो, मैं सोचा था कि एक धंधे वाली, एक कोठे वाली किसी आदमी की पत्नी बन सकती है, किसी भाई की बहन बन सकती है, लेकिन नहीं, साला झूठ, साला धंधे वाली कभी धंधे वाली ही रहेगी, उसको एक से नहीं चार से उसका मन कभी भर ही नहीं सकता है। तुमने ये चीज को आज साबित कर दिया, साला मोहर लगा दिया, उस पर सील लगा दिया। भाई तुम अपना काम छोड़ सकते हो, नहीं ना, वो भी मेरा काम है, मैं भी नहीं छोड़ सकता। हमारे काम से अगर हमें और दुनिया को तकलीफ होना तो ऐसे ऐसे एक नहीं हजारों काम छोड़ देंगे हम। अच्छा समझ रही हो ना, छोड़ने वाले कल की देखो मैं दिख रहा था, तो काम दिख रहा है, जब तक महासभा निकाल कर दोबारा तुम जाए क्यों रही है, वो काम करी क्यों रही है? मेरी मर्जी है, मेरा काम है, मैं करूंगी। घर में चीज मिल रही है मैं करूंगी, ये बता दो। मुझे बहुत कमी थी तुम्हारे घर, क्या कमी? अगर यही सब करना था तो उस दिन आई थी क्यों यहाँ पे, क्यों रो रही थी? तो उस दिन भी कोई दिक्कत था भाई, मेरे को जरूरत था इनसे, तब आई थी, जरूरत खत्म, ये भी खत्म। आपने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा, ड्रामा कर रही है, मगर मैं क्या सुझा रही है, आप कहने में मैंने उसको एक्सेप्ट करा था भाई, अब बताओ मैं क्या करूं? बता तो सकते थे हमको, नहीं अपने पति को ही बता देती यार। देखो कुछ बताने वाली बात नहीं है, ठीक है, गलत हो गया, मेरा मन किया तो मैं चली गई, आराम से बात करो, बैठ के बताओ क्या बात है, क्यों जा रहे हो? अरे कोई बात नहीं है, मैंने बोला ना कोई बात नहीं है। ए, पैसे वैसे की जरूरत है? तू क्यों दोबारा वो सब काम कर रही है यार, तू पहले जरा तू बैठ तो सही, मुझे छोड़ो, बैठ तो सही यार, मुझे एक चीज बता, तू क्यों दोबारा ऐसा कर रही है यार, क्यों इन सब हरकतें कर रही है तू? है मैंने बोला तेरे को हर चीज से एक्सेप्ट कर लिया, मेरे साथ रहना, तू क्यों टेंशन ले रही है? और तू गई भी है तो वो चिट्ठी लिख के गई और 5 लाख रुपए तो देके अपनी बहन की शादी कर लेना, जब तू ही रहेगी तो शादी का क्या मतलब है पागल? तेरे चक्कर में तो शादी में पहले दिक्कत आती है, अब तू दिक्कत क्यों दे रही है? अरे मेरा सर पे कर्ज था इसलिए मैं 5 लाख रुपए देकर आई, कोई मुफ्त में रख के नहीं आई, ठीक है ना? तो मेरी कर्जे की तू छोड़ना, वो सब मैं संभाल लूंगा, मेरे ऊपर वो सारी टेंशन तो मेरे ऊपर छोड़ना। देखो तू अगर तू ही नहीं रहेगी तो वो शादी भी कैसे होगी, वो खुश रहेगी तेरे बिना शादी? पूछिए उससे एक बार, उसकी शक्ल देख, मुझे पता है सब खुश है, खुश नहीं है यहाँ पे, ठीक है, दिखावा की है, ठीक है ना, ये दिखावा हो रहा है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, पहले तो ऐसा नहीं था यार। देख किस्ती भी लगा रहे पर तू घर में रहे ठीक है, इन सब हरकतों से कुछ नहीं रखा, जो तू उल्टी सीधे काम कर रही है ना, कोटे वोटे पे जाकर तो बैठ रही है पागल, इससे मेरी इज्जत को भी तो कुछ फर्क पड़ेगा यार। क्या इज्जत, कैसा इज्जत, तेरा क्या इज्जत है बताना जरा? मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, तेरे से शादी कर ली, मेरा बच्चा है तेरे पेट में 2 महीने का, और उससे तो और क्या चाहिए तेरे को? अब कल को उसके ऊपर डिपेंड भी तो होगा, उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, तू किसका नाम देगी उसको यार? जो मेरा बच्चा है उसकी इज्जत के ऊपर क्या डिपेंड करता है पता है? किसका नाम देगी तू? मेरी इज्जत की धज्जा उड़ जाएगी। क्या इज्जत इज्जत रट लगा रखा है बताना जरा हमसे? इज्जत इज्जत उसी टाइम से इज्जत इज्जत रट लगा रखा है यार, तो कैसा इज्जत? तुमको इज्जत देखना है ना तो मेरे अड्डे पे आके देख, अच्छा अच्छा की वर्दी उतर के टंगी रहती है मेरी खूटियों में, और आया बड़ी इज्जत देखने वाली, कैसा इज्जत की बात कर रहा है? मेरे पास तो कोई इज्जत नहीं है, इज्जत इज्जत बड़ी आया लेकर। तू क्या बोल रही है, तेरे अंदर दिमाग भी है कुछ? मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, ठीक है ना? तू शर्म भी नहीं करी, कौन यहाँ पे खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, कौन है किस जगह पर है, कोई शर्म नहीं तेरे अंदर तो बिल्कुल? मेरे अंदर तो कोई शर्म ही नहीं है, शर्म क्या हुआ? हाँ कैसे शर्म होगी, कैसे शर्म होगी, एक कोठे पे काम करती है ना तू, तूने तू सिर्फ अपने नहीं उस कोठे पे काम करने वाले सबको तुम बदनाम कर रही हो। अच्छा? वाकई में कोठे वाले के पास कोई इज्जत नाम का चीज है ही नहीं। हाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं है, उसको सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, अपने पैसन से मतलब है, अपने शौक से मतलब है। इस दुनिया में सब किसी को पैसे से ही मतलब है। अरे हर इंसान दुनिया में इंसानियत भी जिंदा है ना, अभी भी पैसे चाहिए हर इंसान, अभी भी इंसानियत जिंदा है। एक इंसानियत नाम की भी चीज होती है यार, ठीक है, जरूर नहीं है पैसा होता है, तेरे पैसों पे नहीं जी रहा था अब तक मैं। अच्छा ठीक है, किस लिए जी रहा था? अपने लिए जी रहा था, अपनी इज्जत के लिए जी रहा था मैं, मुझे तो पता ही नहीं था। रही बात पैसे की, तो आपको पैसे से लेकर किसी भी चीज की घर में कोई कमी तो नहीं दे रखी हमने? हाँ थी, तभी तो मैं घर छोड़ के आई, जब थी तो अभी तो आई, कोई दिक्कत? देखो बात को समझने, देखो तुम मेरे से छोटी हो, इसलिए मेरा भाई आपके साथ अपना घर बसाना चाहता है, तो उसमें परेशानी क्या है? और आपका घर उजाड़ के मैं अपना घर नहीं बसाना क्या चाहती हो मतलब? देखो तुम छोटी हो इसलिए प्यार से समझा रही हूँ, ठीक है ना? तो उतना ही तक रहो, मुझे नहीं जाना यार, कैसी बात कर रही हूँ? अपनी तरह समझ रही है उसको तू, तो वो तेरे को अच्छे राय दिखा रही है, तेरे को अच्छे के लिए बोल रही है, तू उसको पर गुस्सा दिखा रही है, तुम्हें घर नहीं जाना है? नहीं देखो तुम छोटी हो, छोटी बनकर रहा करो, ठीक है ना?
छोटी या बड़ी के इसमें क्या है, इतना भी छोटी नहीं है कि उसको इज्जत समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी भाभी एक कोठे पे जाके बैठे एक तवायत की काम करे। हमसे तो छोटी है ना, तो छोटी बोलूंगी क्या बोलूंगी। हुआ है ना, मैं आपसे माफी मांगती हूँ यार, तुम दूर रहा करो, मेरी गलती है ना, मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, प्लीज घर चलो। चल जाओ उधर, उसी टाइम से प्यार से समझा रही, समझ नहीं रही है तो उसको मार क्यों रही है यार? क्या करूं, उसी टाइम से तो प्यार से समझा रही। एक बात बताओ, मतलब तुमको प्यार का भाषा समझ में नहीं आ रहा है? देखिए आपको क्या करना है, देखो तुम लोग ना सही में जो कोठे पे काम करते हैं ना, धंधे वाली जो है सही में तो धंधे वाली ही रहेगी। हाँ तो है, कभी है। किसी आदमी की औरत नहीं बन सकती। अच्छा? हो समझ रही हो ना, है ना, तुम्हारा थोपड़ा दिल करता है तोड़ दे कभी, समझ रही हो ना? ठीक है ना, तुम उस दिन दुनिया को दिखा रही थी ना, इसको बुला के कैमरा पे एक्सपोज कर रही थी, मैं तुमको भी एक्सपोज करूंगा, देखो सामने कैमरा है, देखो ठीक है ना, कैमरा जल्दी बंद कर, कैमरा तुम्हारे बाप का है, बंद कर दे, बाप का है, किसी को बर्बाद तोड़ के दिखाना, तोड़ के एक गर्दन है ना ये तोड़ दूंगा, समझ रहे, समझ रही हो ना? ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, लगाएंगे ना दो कान पर, ठीक हो जाए। कैमरा तोड़ने वाली है बहुत, अपनी गलती में आज कैमरा दिखाई दे रहा है, कितने कैमरा तोड़ने वाले आए और गए, क्यों देखा? इधर 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 और तुम दोनों कैमरा लगा रहे हो, भाई भाई तू भी बैठे भाई, मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता। एक बात बताओ, तुम लोग कैमरा पहले बंद कराओ, मेरी बात ठीक है, बंद करा देंगे हम, बंद कराओ कैमरा। तुम अपने सर पे हाथ रख के अपने पति के कसम खा के कहो, अपने बच्चे की कसम खा के कहो कि तुम वहाँ क्यों गई थी बैठने के लिए कोठे पे, फिर से दोबारा जो बच्चा को तुम पाल रही हो ना, जिसको तुम जन्म देना चाहती हो, जिसको तुम पैदा करना चाहती हो, उसका कसम खा के बोलो तुम। मैं नहीं खा सकती। क्यों, क्या रीजन है, क्या दिक्कत है, क्यों गई दोबारा कोठे पे बैठने? मेरी मर्जी। मर्जी क्यों, सच्चाई बता ना तुम मेरे को। क्यों सच्चाई बताऊं, क्या सच्चाई है, क्या कुछ नहीं है सच्चाई, क्या तुम जो भी है तुम्हारे सामने। इसने कुछ बोला है तुमको, इसने कुछ बोला है, कौन बोला है तुमको उस दिन, इतना समझा के भेजा था ना। मर्जी, मैं चली गई बस, मेरे को अच्छा लगा वहाँ पे, मैं चली गई वापस। मतलब तुम बेचारी को और दुखों कोठे का फूल हो, नहीं जब जाओगे तभी वो फूल वहाँ पे खिलेगा, नहीं वो तो हूँ मैं। हाँ हाँ, वो तो सुबह बढ़ाने वाली ये तबायत जो कि कोठे पे बैठ के और अपने जिस्म बेचती है, वो बताओ क्या कर सकती है, फिर क्या करोगे जिंदगी में? उन सब बातों को सुनने में तुमको अच्छा लगता है? हाँ मुझे है? अच्छा लग रहा है। भाई बोली थी उस दिन, शर्म आता है कभी कभी है? आज भाई कोई कोठे बुलाने की बात करती है जे। भाई वो हमारा काम है तो हम बुलाएंगे, ये बात है। अरे शर्म कर ले कुछ। क्या शर्म कर लूँ मैं? कि कोई तेरे लिए आया है, तेरे को इतना मान रहा है, ठीक है, वो सोचता कि तेरा घर बस जाए, तू घर में रहे। अरे मुझे नहीं रहना है घर में, मुझे नहीं रहना है घर में, मुझे घर में अच्छा नहीं लगता। अरे क्यों नहीं रहना, रीजन बताना। हजारों भेड़ियों के बीच में रहने वाली कैसे पति की प्यार रास आएगी, इन्हें नहीं आएगी ना। क्यों नहीं रहना है भाई, तुझे करना क्या? मुझे नहीं रहना है, तू आराम से घर में रहना। मैं जहाँ से आई थी वहाँ चली गई वापस, अपने लाइफ में चली गई। तू उसकी वजह क्या है, वजह तो बता। अरे तुम अपने लाइफ में खुश रहो ना, वजह से क्या मतलब, लाइफ में खुश कोई वजह है नहीं। खुश तो जब रखूँ तू साथ में रहेगी, तेरे चक्कर में सबसे कलेश करके बैठ गया, तू मेरे को छोड़ के चली गई, मैं कैसे रह लूँ सब में खुश? तो मुझे नहीं रहना है ना तुम्हारे साथ में। क्यों नहीं रहना, मुझे वो रीजन बता दे बस, ठीक है? अरे कोई रीजन है ही नहीं तो क्या बताऊँ मैं, कोई रीजन तो जान सकती नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई रीजन है, कोई रीजन नहीं तो तू खा ले अपने बच्चे की कसम, बोलने कोई रीजन नहीं है, तेरी बात क्यों खाऊं मैं अपने बच्चे की कसम? तू कसम क्यों नहीं खा रही, कोई रीजन नहीं खाऊंगी मैं, मेरा बच्चा है, मैं क्यों खाऊं कसम? तो सच्चाई बता फिर, सच्चाई क्या है? नहीं बता सकती, कोई सच्चाई है ही नहीं तो बताऊं क्या? किसी से प्यार करती है, कुछ भी बोलो, जिसको जो फालतू का दिमाग आए बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सच्चाई तो बता दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगी, पता है क्या सच्चाई? सच्चाई लगा रखी, समझ रहे, इधर इधर बात करो, जाने से पहले उस कोठे पे जाने से पहले उसको शायद समझ में आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन जब भी वहाँ से आने के बाद में कोई लड़की मरना पसंद करेगी, लेकिन वो उस कोठे पे जाना पसंद नहीं करेगी। लेकिन तुम फिर क्यों गई हो ये चीज बताओ मुझे। अरे मेरी मर्जी, मैं कितनी बार बोलूं, मेरी मर्जी, मैं चली गई, चली गई बस, बात खत्म करो, अपने अपने घर जाओ, जा उठ उठ जा। हाँ तो मैं तो चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रहना, मैं तो चली जाऊंगी, इसमें क्या दिक्कत है? तो तू सच्चाई नहीं बताएगी इसका मतलब? नहीं मैं नहीं बता सकती, कोई सच्चाई है नहीं तो मैं बताऊंगी। जिस धंधे में उतरे तो वही धंधा करेगी, तू वही चाहती है? हाँ मैं करूंगी। तो भाई तुझे जो करना है तू वो कर, क्योंकि मैं देख तेरे को समझाने के लिए आया था, समझाने के लिए बुलाया था, और मैंने भैया से ही बोला कि भैया मेरी हेल्प करो, ठीक है, लेकिन तेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं जा रहा हूँ अब, जो तुझे अच्छा लगता हो करियो भाई, तू खुश रहियो, हम तो पागल है यार, हम तुझे अपना मानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चल गुड़िया।
इसकी बस की बात नहीं है कुछ भी। प्लीज ऐसा मत कर, ये छोड़ दे मजा प्लीज। क्यों क्या हुआ अब? अब क्यों पकड़ रही है तू? अब जाने देना मेरे को, जो होगा देखा जाएगा यार। जाओ ना कोठे पे ही बैठ जाना। दो मिनट बात तो सुन लो, वो कुछ नहीं जाना चाहती। अभी तो ये ड्रामा दिखा रही थी ना, अब फिर ड्रामा दिखाएगी कोई नया? नहीं मुझे चढ़ के मजा प्लीज, मुझे माफ कर। चल उठ, पहले उठ, पहले तू उठ, पहले यहाँ बैठ। अब मेरे को तू पहले ये बता, रोना बंद कर पहले, ठीक है? शांत रहे तू, पहले सच्चाई बता, ऐसी क्या बात है जो तूने ये सब करा? ठीक है, इसमें ऐसी बात क्या है? रो मत, पहले शांत हो जा। रो मत, आराम से बता, अस्थिर होके बता, एकदम प्यार से बता कि ऐसी क्या बात है, क्या बात है, दिक्कत हुई है? क्यों गई थी दोबारा उस जगह पे, उस दलदल में फंसने, उस मरने? वहाँ माफ कर दो, आप सब माफ कर दो। उस बाजार में जितना पूछता हूँ उतना, उस बाजार में बिकने दोबारा क्यों गई थी? क्यों गई तू? मजबूरी था जाना। क्या मजबूरी था? मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी तुझे उस फिर कोठे पे ले जाके बैठा दिया जहाँ से तू निकल करके आई थी? क्यों गई थी, क्या मजबूरी है? मेरा मजबूरी था इसलिए गई। मैं कैसे बताऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब तक तू नहीं बताएगी, तेरे घर वाले, तेरे ननद, तेरा पति, तेरा ससुर, तेरा सास कैसे जानेगा कोई? तू उस घर की ना एक परिवार है, फैमिली है, तू अब उस कोठे पर की तवायद नहीं है। क्यों नहीं मानती है तू? जब तक तू उसमें ऑप्शन रखेगी ना, तब तक घूम फिर के तेरे माइंड में साला वो कोठा घूम के आएगा ही, समझ रही है? ऑप्शन को बाहर निकाल पहले अपने से, अपने माइंड से गलत फहमी दूर। जहाँ है उसी के बारे में सोच, सिर्फ कि वही मेरा घर है, वही रहना है हमको, किला टोक करके। क्या रीजन था, क्यों गई थी छोड़ करके? ये बोला था नहीं, इसने बोला था, ससुर बोले थे, सास बोले थे, फिर कौन बोला था? बोला था सब, मेरे फैमिली में सब अच्छे हैं, पर मैं, मेरी छोटी की ननद की शादी नहीं हो रही थी, मैं इसीलिए छोड़ के चली गई थी। तो शादी नहीं हो रही थी, वो तो बोली थी कि उस दिन मैं वैसे वैसे 10 लड़का कुर्बान कर दूंगी। और आज भी वही बात बोल रही है। एक बात बताओ, इसको गुलात मारती हूं मैं। एक बात बताओ, आपके घर में अगर बिगाड़ के मेरा घर बसे ना, तो क्या क्या आपके घर में, क्या आपके घर में, अगर आपके घर में एक ननद बैठी है, 10 रिलेशन आया, 10 कट गया, तो मेरे ही वजह से कट रहा है। जो अभी लगा था 2 महीना इसका शादी का दिन है, उससे एक दिन मैं गलती से उसका फोन रिसीव कर ली, इसके होने वाले पति का, अच्छा, तो उसने बोला अगर आपके बारे में मुझे सब पता चल गया है, ऐसे ऐसे बोल रहा था, कुछ कुछ बातें बता रहा था उसे, तुम कोठे वाली हो, ये हो, अगर उस घर में तुम रहोगी तो मैं तुम्हारी ननद से शादी नहीं करूंगी। और तुमने उसकी बकवास में आके घर छोड़ दिया, इसीलिए मुझे घर छोड़ना पड़ा, दोनों ऑप्शन रख दिया, अगर तुम चली जाओगी तो मैं शादी कर लूंगा, अगर नहीं गई तो मैं शादी नहीं कर सकता। इकलौता लड़का थोड़ी रह गई जिससे मैं शादी करूंगी, नहीं करनी है ना करे, पर 10 रिलेशन टूट चुका है, ऐसे भी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उस लड़के के साथ मैं जिंदगी कैसे व्यतीत करूंगी, आप ये बात खुद सोचो ना। इसलिए मुझे अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, अभी मान के चलो उसका शादी नहीं हुआ है, अभी वो लड़का अगर ऐसा कह रहा है तो तुम उसके लिए अपने घर परिवार के छोड़ के फिर जाके उसी कोठे पे बैठ रही हो, उसी दलदल में तू फंस रही हो, जो कि तुम्हारा अभी कोई रिश्तेदार है ही नहीं, वो रिश्तेदार बना ही नहीं है ठीक से। अगर होने के बाद वो कहे कि नहीं तुम जाओ सूली पे चढ़ जाओ, कहीं कट जाओ, कहीं मर जाओ, किसी बाजार में जाके बिक जाओ, तो बिक जाओगी? मेरे को जो समझ में आया नहीं, वो जो कहेगा वो करोगी तुम, तुम्हारा पति कहेगा वो नहीं करोगी? पति बोलेगा वही करूंगी मैं, मेरे को नहीं समझ में आया, मेरे को लगा भाई का घर बिगड़े, मेरे को लगा वही सही है, काश मेरे ननद के घर बच जाएगा, उसके बाद मैं देख लूंगी बातें जो भी होगी, लेकिन पहले मेरे ननद के घर बच जाए, मैं तो कहीं भी रह लूंगी, मैं तो अब शादीशुदा हो गई हूँ, मेरा बच्चा है उसके साथ भी मैं गुजारा कर लूंगी, पर मेरी ननद तो कुंवारी है अभी, इसी देखो मेरी बात सुनो, खड़ा खड़ा शादी करने से बढ़िया मेरी बात बैठी रहूं। जिस बच्चे को तुम पेट में पाल रही हो ना, उस कोठे पे ना, उसको बाप का नाम नहीं मिलेगा, समझ रही है ना? हम लोग बेशक बेशक इसी का बच्चा है, लेकिन फिर भी उस कोठे पे उसको बाप का नाम मिल ही नहीं सकता है, कैसे दोगी तुम उसको बाप का नाम, किसको कहोगी? भर के कलंक झेलेगी तू, अच्छा लगेगा तुझे? तेरे चक्कर मेरा बच्चा दर दर की ठोकरें खाएगा, उसका तो पूरा करियर खत्म हो जाएगा, पैदा होने से पहले तू उसे मार रही है उसे करियर को। अरे मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, जो आप लोग गलत समझ रहे हैं मुझे, मैं ऐसा कुछ करती नहीं थी। अपने दिमाग से निकालो और घर चलो चुपचाप। मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं हूँ जो आप लोग गलत सोच रहे हैं, बस अपने बच्चे के लिए मैं वहाँ पे गई थी। क्यों घर छोड़ के बैठ गई तुम? अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो, दिमाग है नहीं है। सोनी भैया क्या करे बताइए ना,
मैं शुरू से अभी तक कुछ किया ही नहीं, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं तुमसे उस दिन भी बोला था, आज भी बात बोल रही हूं, जिस दूसरों के चक्कर में मेरे घर में फूट पड़ रही है, रिश्ते के चक्कर में मेरा घर, मेरे भाई का घर मेरे ना, देखो अब बुरा मत मानो, ऐसी जगह शादी नहीं करनी मुझे, शुरू से मैं सेफ हूं वहां पे, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं की हूं, सच्ची बोल रही हूं कसम से, बस मैं रही हूं, अगर कोई ऐसा गलत, मेरी बात सुनो इधर आओ, अगर आपको फिर से अगर वहां जाना है ना तो एक मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, मानोगे? हाँ बताइए। आप ना अपने ननद को भी लेते जाओ, वहीं बैठा देना। इतने गंदी जुबान से ये मेरा ननद के नाम कैसे ले लिया तुमने? ये मेरी ननद है और ये मेरी घर का इज्जत है, ठीक है ना? अपनी गंदी जुबान से कभी मेरे ननद के नाम मत ले लेना, ठीक है ना? तो मतलब एक बात, कभी भी तरीके से बात किया जाता है। ननद के लिए, पति के लिए इतना प्यार झलक रहा है, इतना इज्जत झलक रहा है, तो फिर तुमको जाने की ऐसी कौन सी सलाह मजबूरी आ गई? दिमाग मेरा मत खराब करो, समझ रही हो ना? ठीक है ना, ज्यादा मत बोला करो, ठीक है ना? अभी तो बताइए, इज्जत से जाओ अपने पति के साथ अपने घर पे, नहीं तो ना हम तुम्हारे कोठे पे चलेंगे, वहीं पे वहां भी तुमको बदनाम करेंगे, वहां से भी निकलवा देंगे तुमको। देखो मैं अपना मजबूरी बता दी, मेरा ननद की वजह से गई मैं, अब तुम समाज नहीं रहे तो मैं क्या करूं? अरे यार जब तेरे से बोल दी भाड़ में, चलो जब तुम्हारा पति तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, हमारा परिवार पूरा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ना, अपना बैग उठाओ और घर चलो चुपचाप। दुनियादारी के चक्कर में ना हमारा परिवार नहीं चलेगा। नहीं लिया हमने, हमें तुमसे मतलब है। मैं चली गई, मेरी बात मानो, प्लीज मेरी बात मानो, अगर हमारे बातों का जरा सा भी कद्र है ना तुम्हारे अंदर, तो घर जाओ अपने पति के साथ, अपने ननद के साथ, ठीक है? ठीक है, मैं अपने पति के साथ जाऊंगा। इसको जब कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है अपने पति का, उस साला कुत्ता कमीने जो है जिसके वजह से तुम लोगों का घर बर्बाद हो रहा है, तो फिर तुम्हें किस चीज का टेंशन है? नहीं होगी जब हो जाएगी। एक नहीं दूसरा लड़का मिलेगा, दूसरा नहीं तीसरा मिलेगा। अभी तक 10 रिलेशन कट चुका था तब भी तुम्हें ये कदम यार, उसी की प्रॉब्लम मेरी है, अब तुम्हारी नहीं है वो। मैं स्पेशल मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से पूरे पब्लिक को कहना चाहता हूँ, किसी के जीवन जिंदगी को बर्बाद करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर है कोई ऐसा पब्लिक या हमारे कोई व्यूअर्स है तो उसको हमारे चैनल पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ रही हो ना? ठीक है मैं समझ गई। किसी के लाइफ को बर्बाद करने का किसी का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोटे वाली हो, चाहे कोई इज्जतदार हो साला। और किसी की चार बातें सुनकर अपना घर बर्बाद करने की, हम किसी के चक्कर में अपना परिवार थोड़ी ना फोड़ देंगे, अपने परिवार को थोड़ा दूर कर देंगे, कोई अपने लिए हमारे लिए अपना परिवार छोड़ देगा क्या? तू अपना परिवार छोड़ रही है? दो दिन से वो परेशान है मेरे भाई को, आज तक मैंने इतना परेशान नहीं देखा है। तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा मैंने, पागल की तरह ढूंढ रहा है वो, ठीक है? मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलत कभी नहीं करूंगी, चलो वापस घर चलो। वो तो मैंने, अच्छा हुआ भाई के पास आया, मैंने इनसे हेल्प मांगी, मतलब तेरे तो पता ही नहीं चलता तू है किधर, और ना कभी मेरे को ये सच्चाई बताती, ये भी मुझसे किलसी पड़ी थी, मुझसे उल्टा लड़ रही थी ये। जाओ देखो अभी भी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए ना तो फिर उसको भूला नहीं कहते हैं, यही तुम्हारा घर परिवार है, ठीक है? वहाँ भी तुम्हारा घर परिवार है, लेकिन उस रिश्ते को ना हमेशा लोग हीन नज़र से देखता है, वहाँ के उस हर इंसान को, बेशक उनके पास भी इज्जत है, वो इज्जत से अपना जिस्म को बेचते हैं, लेकिन फिर भी ना लोग उन्हें क्या बोलता है, तवायत ही बोलता है, कोठे वाला ही बोलता है। तो अगर यही सब चीज़ तुमको जीवन भर सुनना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सबको लात मार के बाहर निकाल दो और जाओ अपना जीवन खुल कर जियो। अगर इन सबको इग्नोर करना है, एक छोटी सी जिंदगी अगर तुमको बसर करना है इस बच्चे के लिए, तो अपने घर पर जाओ इज्जत से, भला इसी में। मैं अपने घर पर जाऊँगी। ले जाओ जी घर पे, चलो ले जाओ। सुनो ना मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो, सिर्फ उनका नहीं तुम लोग का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ रहे हो ना? जब तुम उनको ब्याह के लाए हो ना उसको, तो तुम्हारा जिम्मेदारी पूरा बनता है। अब बिगड़ बताई जाएगी तो कैसे कोई क्या कर लेगा, कुछ पता तो होना चाहिए ना, अपना मुंह उठाए और चल दी। जाओ ले जाओ, कोई तो समझा रहा हूँ, उसे बोल दो आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करे। नहीं करेगा, इधर सुनो, गलती किया आगे से ऐसा गलती मत करना, मेरी बात सुनो, इधर आओ तुम दोनों आओ। लड़कियां ना घर की इज्जत होती है, सर की ताज होती है माँ बाप की, समझ रही हो ना? तो तुम अपने माँ बाप को तो तुम जानती नहीं, नहीं। लेकिन सास ससुर को जानती हो, ठीक है? हाँ। पति को जानती हो, उसी को अपना ताज बना लो, ठीक है? समझ रही हो ना? ठीक है। आगे चल के तुमको वो इज्जत भी मिलेगा और वो प्यार भी मिलेगा, ना कोई तुम्हें हीन नजर से देखेगा, ना कोई तुम्हें कोठे वाली और एक तवायत बोलेगा, समझ रही हो ना? ठीक है। क्योंकि बनाने में कोई चीज़ बहुत समय लगता है, लेकिन बिगाड़ने में मिनट नहीं लगता है, दो मिनट में बिगड़ जाएगा,
तो इस चीज को इतना बच्चा नहीं हो, समझदार हो, समझ जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जाओ खुश रहो, तुम ले जाओ भाई, चलो बंद करो बाबू।